नमस्कार, आज बात करने जा रहा हूँ डायबिटीज के लक्षणों में बहुत ही प्रभावी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, यूरेनम नाइट्रिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कैसे इस होम्योपैथिक दवा को लेना है इसके बारे में भी जानेंगे। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप और हेनमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूरेनम नाइट्रिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जाने तो इसका कॉमन नेम है नाइट्रेट ऑफ यूरेनियम। ये एक तरीके का सॉल्ट है जिससे एक होम्योपैथिक दवा बनाई जाती है। ये डायबिटीज के जैसे लक्षण जब आते हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रभावी है। पहले इसके लक्षण की तरफ बढ़े तो वो है, जब पेशेंट यूरिन पास करता है तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। बार बार पेशेंट टॉयलेट करने जाएगा, पेशाब करने जाएगा और जो यूरिन की मात्रा होगी वो भी काफी ज्यादा होगी। दूसरे लक्षण की तरफ बढ़े तो ये डायबिटीज में बहुत ही प्रभावी होम्योपैथिक मेडिसिन है। जब नेफ्राइटिस की कंडीशन मिलती है, नेफ्राइटिस क्या होता है, नेफ्रॉन होते हैं कई सारे किडनी के अंदर जो कि फिल्ट्रेशन करते हैं, और जब किडनी में इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन हो जाती है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है और उसी वजह से यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, बार बार पेशेंट यूरिन करने जाता है, तो नेफ्राइटिस की कंडीशन जब डायबिटीज में मिलती है तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा प्रभावी है। साथ में जब हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन मिलती है उसमें भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इडीमा की कंडीशन मिलती है, इडीमा क्या होता है, जब कभी भी हमारी बॉडी में कहीं पर भी वाटर का रिटेंशन हो जाता है, यानी कि वाटर कहीं पर भी रुक जाता है तो उसकी वजह से वहां पर स्वेलिंग या फिर सूजन हो जाती है, तो वो कंडीशन होती है इडीमा की, उसमें ही बहुत ज्यादा प्रभावी है। लिवर की कंडीशन में जब लिवर डिसऑर्डर बना रहे उसमें भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लिवर ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है तो वहां पर इन सभी लक्षणों में यूरेनम नाइट्रिकम काफी प्रभावी दवा है। बढ़े यूरेनम नाइट्रिकम के अन्य लक्षणों की ओर, तो पेशेंट का वजन बहुत ही कम हो जाता है, वो पतला होने लगता है जिस कंडीशन को हम बोलते हैं इमेसिएशन। तो दो तरीके के डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, एक तो वो जिनमें पेशेंट का वजन बहुत ही कम होने लगता है, दूसरे तरीके के होते हैं ओबेसिटी वाले जिनका वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है जो कि डायबिटीज का एक मुख्य कारण भी होता है। तो यूरेनम नाइट्रिकम में पेशेंट का वजन एकदम घटने लगता है, उसमें बहुत ज्यादा कमजोरी मिलती है, साथ में असाइटिस की कंडीशन में मिलती है। उसमें क्या होता है, पेशेंट का जो एब्डोमेन है, पेट है, उसमें पानी इकट्ठा होने लगता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड हो जाता है वहां पर, जो कि एक असाइटिस की कंडीशन में होती है। साथ में मैंने बताया था कि इडीमा मिलता है इसमें, यानी कि स्वेलिंग मिलती है बॉडी के कहीं पर भी पार्ट में, जब वाटर रिटेंशन होने लगता है, पानी रुकने लगता है, तो वो कंडीशन होती है ड्रॉपसी या फिर इडीमा की, उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में पेशेंट के पीठ में बहुत ज्यादा दर्द होता है, और फीमेल की तरफ बढ़े, महिलाओं की तरफ बढ़े तो उनकी महावारी टाइम पर नहीं आती है, लेट आती है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेशेंट की जो स्किन है यानी कि त्वचा है और म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारा पाचन तंत्र है सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, आप अपने मुंह के अंदर देखेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन है, नोज के अंदर देखेंगे तो वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो इसकी ड्राइनेस हो जाती है, ये बहुत ज्यादा सूखी हो जाती है, त्वचा भी सूखी हो जाती है, इस तरीके के लक्षण इस दवा में मिलते हैं। अब इसके आमाशय के लक्षणों की तरफ बढ़े तो पेशेंट में बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ही ज्यादा भूख लगती है, प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है, पेशेंट का जी मिचलाता है, उल्टी होने लगती है, जैसे मैंने बताया भूख बहुत ज्यादा लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तो ये डायबिटीज के लक्षण आपको बता रहा हूं मैं, और इसमें ये बहुत ज्यादा प्रभावी होगी। डायबिटीज इंसिपिडिस में भी ये बहुत ही कारगर होम्योपैथिक दवा है। उसमें क्या होता है, ये सॉल्ट एंड वाटर का मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर हो जाता है जिसमें हमारी बॉडी जो है रेगुलेट नहीं कर पाती कि हमारी बॉडी में फ्लूड किस तरीके से उसको हैंडल करना है, किस तरीके से रोकना है, तो उसमें बहुत ज्यादा थर्स्ट लगती है, पेशेंट को प्यास लगती है और यूरिन भी बहुत ज्यादा पास करने लगता है पेशेंट, तो ये कंडीशन होती है डायबिटीज इंसिपिडिस की। पेशेंट के यूरिनरी सिस्टम की तरफ बढ़े तो पेशेंट यूरिन बहुत ज्यादा पास करेगा, एक्सेस में यूरिन पास करेगा और उसको होल्ड करके नहीं रख पाएगा, यानी कि पेशेंट यूरिन को रोक कर भी नहीं रख पाएगा। इन सारे लक्षणों में जो अभी तक मैंने बताए, यूरेनम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है और डायबिटीज की कंडीशन में भी ये साथ में मेडिसिन चलाई जाती है। अगर आपके ज्यादा से ज्यादा लक्षण मैच हो रहे हैं इसके साथ तो इस होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। डोजेस की बात करें तो 2x या फिर 3x में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 3x में भी कर सकते हैं, तो इसकी ट्राइचुरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सॉलिड पोटेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाना बहुत ही बेहतर होता है, तो इसकी टैबलेट में फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 4 टैबलेट दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम में इसकी इस्तेमाल की जा सकती है, मुंह में डालकर इसको चूसना होता है, पानी के साथ लेने की आवश्यकता नहीं होती। 15 से 20 मिनट का फर्क जरूर रखिए कुछ भी खाने पीने से पहले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, वहां पर जाकर कंसल्ट भी कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।